हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज परिधि कोकर हेयर एंड टुडे इज सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट इंटरेस्टिंग टॉपिक बट अ टॉपिक व्हिच एवरीवन वांट्स टू नो एंड स्पेशली दोज हु वांट टू कम टू रशिया फॉर स्टडीज. सो द टॉपिक इज दैट व्हाट द थिंग्स वी शुड ब्रिंग अलॉन्ग विद यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू रशिया एज अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली एज अ मेडिकल स्टूडेंट. सो ये चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी आप सबके साथ. जो जितनी भी चीज़ें आपको लेके आनी है, जितनी भी चीज़ें आपको नीडेड है, नेसेसरी है, और हर चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर दूँगी. सो पहली चीज़ है कि आपने बुक्स लेके आनी है अपने साथ. ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर मेडिकल बुक्स आपकी नीडेड हैं, जो कि एनाटॉमी हो गई. और अगर आप पढ़ना चाहते हो कभी कभार तो आप ला सकते हो. फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे, सो ज़्यादा बुक्स लाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने भर लेनी सारी. नहीं, बेसिक एनाटॉमी वगैरह ये लेके आना अपने साथ. सो आप कोई भी स्टेशनरी शॉप पे बोलोगे मेडिकल ईयर फर्स्ट ईयर बुक्स चाहिए तो वो आपको पकड़ा देंगे, आप लेके आ जाना. सो बुक्स के साथ आप नोटबुक्स लेके आ सकते हो. एक्चुअली यहाँ पे आई वॉन्ट टू शो, या तो इतनी पतली नोटबुक्स मिलती हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी वाली लाइंस होती हैं, ऐसे सिंपल लाइंस, वरना जैसे छोटे बच्चों के नहीं होते क्यूब्स. मेरे पास अगर होगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ. वैसे हाँ, मेरे पास है. तो इतनी छोटी छोटी यहाँ पे नोटबुक्स मिलती हैं, और ये नोटबुक्स ऐसे क्यूब में मिलती हैं. सो बेसिकली यहाँ पे लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं. और अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम है लिखने में तो आप इंडिया से अपने रजिस्टर टाइप में अपना लेके आ सकते हो, दो या तीन नोटबुक्स. सो ये दो तरीके की नोटबुक मिलती है, और ये ऐसी लाइन वाली बहुत रेयरली मिलती हैं आपको. यूजुअली ये स्क्वायर छोटे छोटे, अगर आप बड़ी भी ले रहे हो ना तो आपको जनरली ऐसे ही मिलेंगी छोटे स्क्वायर की. सो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ अपने साथ जो गर्ल्स हैं, बेसिकली बॉयज़ भी इवन, यहाँ पे ना थोड़ा हार्ड वाटर आता है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से विद स्पेशल कमेंट्स दैट आप अपने साथ ऑयल लेके आना कोई भी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल इतना ईजिली मिलता नहीं. खाना बनाने वाला नहीं, सर पे लगाने वाला. सो सर पे लगाने वाला ऑयल, जैसे नारियल का तेल या कोई भी तेल, आप जो भी लगाते हो जो आपको पसंद है वो वाला आप ऑयल लेके आ सकते हो, और वो बेटर रहेगा अपना अच्छे से पैक करके, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता ऑयल. स्पेशली जो सिटीज़, छोटी सिटीज़ है रशिया में, उनमें नहीं मिलता. बाकी जो बड़ी सिटीज़ सिर्फ दो में होती है, जो कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे आपको सब चीज़ अवेलेबल है. वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो बस आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हो वहाँ पे. बट यहाँ पे ऐसी सिटीज़ में आपको चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी सोच समझ के. दूसरी चीज़ आप ले स्पाइसेस, अगर आपके वहाँ मेस है तो ठीक है, वरना फिर भी एक बेटर साइड के लिए आप स्पाइसेस रख लो. जो भी आप स्पाइसेस खाते हो वो चीज़ अपना रख लो. अगर मैस है फिर भी एक एक पैकेट रख लो, कि अगर खुद का बनाने का मन करे या कुछ भी है तो एक एज अ गुड साइड में वो चीज़ रख लेना याद करके. तो स्पाइसेस रख लेना. स्पाइसेस अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पाइसेस अवेलेबल है बट वो इंडियन फ्लेवर नहीं है, मतलब वो जायका कहीं नहीं आता. जो फ्लेवर आपने इंडिया में स्पाइसेस खाते हैं वो नहीं है, बहुत लो उसमें है. दूसरी नेक्स्ट चीज़ आती है, अपने कपड़े रखोगे तो कपड़े आप ट्राई करना कि सर्दियों के कपड़े लेके आ सको. आप अगर सितंबर में आ रहे हो या मार्च में आ रहे हो तो थोड़ा सर्दियों के कपड़े, हाँ, कट स्लीव सिंपल शर्ट वगैरह ला सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा नहीं कि आप फुल स्लीव्स हॉस्टल में पहन के घूमोगे. आप हाफ स्लीव्स रूम में, हाफ स्लीव्स पहन सकते हो, क्योंकि रूम में ठंड नहीं होती, बाहर जाने पर ठंड लगती है. तो कम से कम ट्राई करना कपड़े लाओ, क्योंकि यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो. लड़कियों के लिए तो स्पेशली इतने कॉस्टली नहीं आते कपड़े, सिवाय जीन्स वगैरह के, बट लड़कों के लिए जीन्स वगैरह यहाँ पे हाई रेंजेस हैं. अगर कोई मिडिल क्लास या कुछ ऐसा है तो अपना देख के लेके आना कपड़े. और ज़्यादा मोटे कोट लाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो कोट ले आना जस्ट यहाँ पे जब आप आ सको तो आपको ठंड ना लगे, इतना ही. क्योंकि यहाँ पे आपको नीडेड होगी यहाँ से ख़रीदने की, क्योंकि यहाँ की ठंड अलग है इंडिया की ठंड से, काफ़ी ज़्यादा ठंड है. दूसरी चीज़ आती है वाइट कोट. ऑब्वियसली वाइट कोट मतलब जिसे लैब कोट कहते हैं इंडिया में या जो भी है, यहाँ से भी खरीद सकते हैं. यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल घुटने तक के, और इंडिया में थोड़ा ऊपर तक, वेस्ट तक के मिलते हैं. तो आपको जैसा अच्छा लगे ना वैसा ले लो. यहाँ पे अगर लोगे तो रेंजेस, अब मैं नॉर्मल रेंजेस बता रही हूँ,
700 टू अप्रॉक्स 2500 तक जाती है, और 700 भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे कुछ शॉप्स में, वरना 1000 से लेके और रेंज जाती है इसकी मैक्सिमम 2500-3000, तो वो डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए, बट नॉर्मली उनकी लेंथ घुटनों तक की होती है, ये याद रखना। अगर छोटा चाहिए अपना इंडिया से लेके आना आप, मोस्टली बच्चे लेके आते हैं उनको अच्छा लगता है। सो डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट चीज़ डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली आप आ रहे हो तो अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फाइल में रख के लेके आना, और मतलब संभाल के रखने की वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ नोटबुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, नोटबुक्स अगर आप लाइन वाले अगर यहाँ पे ख़रीदने की सोच रहे हो, रजिस्टर वाली बहुत कम मिलती हैं तो अप्रॉक्स आई थिंक 100 to 150 pages की आपको मिल जाएगी, 100 to 150 or 150 तक की आपको रजिस्टर टाइप में मिल जाएंगी, बट वो बहुत कम मिलती है, कुछ ही शॉप्स पे लिमिटेड। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने लोएस्ट प्राइस बताया, इससे हाई प्राइसेस है, ये कुछ पर्टिकुलर शॉप्स में जो कि लोएस्ट प्राइसेस पे मिल जाती है 90 to 100 के बीच में या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट ईयर स्टेथोस्कोप अगर आपको मन है लाने का, वरना आप नेक्स्ट ईयर अगर घर जाओगे मतलब एक साल कंप्लीट करके, तो भी आप स्टेथोस्कोप ला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप का इतना फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आप खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको रेंजेस मिल जाएंगी 500 to 2000 स्टेथोस्कोप अगर ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है किस क्वालिटी का कैसा आप ले रहे हो, इंडिया में भी ऐसा ही है, तो नॉट अ बिग डिफरेंस। स्पेशल पॉइंट इसको याद रखना, मतलब ये लेके ही आना, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिंस बहुत महंगी हैं इंडिया के कंपैरिजन में, बहुत लाइक जो आपको 20-30 रुपए में पैरासीटामोल वगैरह मिल जाती है नॉर्मल शॉप्स पे पूरा का पूरा पैकेट, यहाँ पे वही चीज़ 200-300 में मिलेगी, इतना डिफरेंस है। सो अपनी नॉर्मल मेडिसिंस, और अगर आपको कोई डिजीज़ है या अपनी मेडिसिन ज़रूर लेके आना, याद से अपना अच्छे से मेडिसिंस का याद रखना, मेडिसिंस अच्छे से लेके आओ। हाँ, कपड़े तो कम से कम देखना कि ट्राई करो, बट हाफ स्लीव, ऐसा नहीं कि सारी फुल स्लीव ले आए, पता चले कि हॉस्टल में आप कुछ पहन ही नहीं सकते, क्योंकि हॉस्टल में हीटर्स चलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हीटर्स चलते रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ स्लीव्स का ला सकते हो आप, नॉर्मल वेयर जो नाइट सूट वगैरह। रेस्ट है बॉडी लोशंस, बॉडी लोशंस यहाँ मिलते हैं, बट वही है प्राइजेस हायर हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियन प्राइजेस, तो एक बॉडी लोशन की बॉटल निविया या कोई भी आप ला सकते हो अपने साथ, वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, थर्मल वेयर जो इनर्स वगैरह हम पहनते हैं नीचे, सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है, तो आप प्रेफरेबली आप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे आपको स्टॉकिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, बट थर्मल वेयर जो इंडिया में मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, तो आई प्रेफर कि आप वहाँ से लेके आओ अगर आप पहनते हो तो। देन जो अगर किसी ने मेकअप भी थोड़ा लिटिल बिट हायर है रेंजेस, बट इतना भी नहीं है, आप अगर कोई लगाता है अपना फेस स्पेसिफिक ब्रांड है तो आप ला सकते हो फॉर गर्ल्स। तो लैपटॉप वगैरह ये ऑप्शनल है, जैसा वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी नमकीन लड्डू ये भी आपकी मर्ज़ी है, आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं या जो भी है, मतलब आपके ऊपर है, वो आपको लाना है नहीं लाने, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। स्पेशली नमकीन जो होती हैं वो मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग मेन जो बड़ी सिटीज़ हैं इनमें आपको मिल जाएंगी, बट यहाँ पे नहीं मिलती, जो छोटी सिटीज़ है जैसे सिक्तिवकार है, इतनी छोटी भी नहीं है, बट ये थोड़ा नॉर्थ साइड में पड़ जाती है, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है इन चीज़ों की, तो आप ला सकते हो कि आप थोड़े टाइम में खा सको, फिर आप अडेप्ट कर लोगे। सो नेक्स्ट है परफ्यूम्स वगैरह, यहाँ पे परफ्यूम्स महंगे हैं, बट एज़ आई लाइक मेरे को इंडियन परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा लेके आती हूँ अपना स्टॉक परफ्यूम्स का, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड हैं, बट वही है कॉस्ट भी ज़्यादा है, और आई डोंट लाइक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस, सो उसके ऊपर अगर आपको पसंद है तो अपने लेके आना अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। टूथब्रश यहाँ पे बहुत महंगी आती है, यहाँ पे जो नॉर्मली इंडिया में 50-100 रुपये की आती है, यहाँ पे वही 250-300 की आती है टूथब्रश, तो अपना लेके आना बेटर ऑप्शन है, और टूथपेस्ट भी ला सकते हो, टूथपेस्ट यहाँ पे ठीक रेट में मिल जाएगा, बट टूथब्रश लेके आना अपनी। बाकी मम इंडियन वेयर्स सूट जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम लोग इंडियन वेयर सूट या साड़ी पहने, तो जो गर्ल्स हैं, एज अ गर्ल आई एम टॉकिंग, एज अ बॉयज़ दे कैन टेक दैट सूट्स एंड कुर्ता पजामा वट एवर यू लाइक,
सो ये चीज़ें अपने लिए ला सकते हो, 2 से 3 ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सारे ये चीज़ जो आप नॉर्मल पहनते हो तो ये चीज़ ला सकते हो। बाकी आप मैगी ला सकते हो अगर आपको पसंद है तो। दाल वगैरह यहाँ पे मिलती है बट कुछ दाल नहीं मिलती, जैसे अरहर की दाल है वो स्पेसिफिकली नहीं मिलती यहाँ पे, तो वो आप अपने साथ अगर मन करता है तो ला सकते हो। वैसे मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अडाप्ट कर लेती हूँ चीज़ें बहुत जल्दी। मसाला मैंने बता ही दिया था। वैसे जीरा वगैरह यहाँ मिलता है बट उनकी टेस्ट, जीरा, कड़ी पत्ता, कुछ चीज़ें मिलती, सारी नहीं मिलती। जैसे यहाँ धनिया नहीं मिलता, जो मोटा वाला धनिया होता है वो नहीं मिलता। यहाँ पे लाल मिर्च मिलती है बट अब कोई पता ही नहीं लगे कि ये लाल मिर्च है, ऐसी वाली मिलती है। तो वही है कि मिलते हैं मसाले, हर चीज़ नहीं मिलती बट कुछ चीज़ें मिलती हैं। बट वही है, अपने इंडियन वाला फ्लेवर नहीं आता तो वो डालने का फ़ायदा भी नहीं है अगर आप डाल रहे हो उसको। नेक्स्ट है, अगर आपको रोटी खाने का शौक है और आप खुद बनाना चाहते हो तो बेलन लेके आना। बेलन यहाँ मिलते हैं, बड़े बड़े मिलेंगे बट अगर आपको प्रेफरेबली आप ट्राई करना छोटा वाला, अगर बेलन ला सकते हो तो ले आना। अम्ब्रेला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है और बहुत कीचड़ हो जाता है, थोड़ा बहुत बर्फ़ भी पिघलती है, तो उस टाइम पे आप प्रेफर करो कि यहाँ पे छाता भी आई थिंक होगी 700 से 1000 की रेंज में, रूबल्स की रेंज में आपको छाता मिलेगा। इट्स बेटर आप इंडिया से लाओ, इंडिया का ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को तो लगता है, बाकी आपका पता नहीं, वो मेरी चॉइस है, मैंने अपने हिसाब से अपने रिव्यूज़ बताए हैं। और बाकी गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती ज़्यादा स्टिचिंग पैड्स वगैरह तो वो अपना इंडिया से लेके आ सकती है, कि 1 साल आप ट्राई करो। मैं तो अपना यही एक बोलूँगी कि एक बार अपना इंडिया से 1 साल लेके आओ, अपना नेक्स्ट ईयर आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। मे बी आपको पसंद आए नहीं आए तो वो एक दिक्कत आ जाती है, तो इस बार लेके आओ, नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, या अगर आपको बीच में इधर का ट्राई कर लेना तो वो, बट स्टार्टिंग में आप लेके आओ जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं बच्चे। सो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो थोड़ी छोटी सिटीज़ में आते हैं, और जो छोटी सिटीज़ में आते हैं उनमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं, और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ें इंडिया से लेके आओगे। तो ये चीज़ें थी, मैंने अपने हिसाब से बताई, अपने रिव्यूज़ जो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के, हम में जो चीज़ें मेरे को लगी मैंने अपने हिसाब से आपको बता दी है, बाकी आप आपके ऊपर आपने क्या लेके आना है। ये मैंने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जैसे मेडिसिन्स, या प्लीज़ लेके आना, ये रिक्वेस्ट भी बोलूँगी या जो भी मानो आप, ये लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इजीली मिलती हैं मेडिसिन्स मिलेंगी बट वो कहते हैं ना यहाँ पे बहुत कॉस्टली हैं, जो आपको 200-300 में इंडिया में मिल जाएगी यहाँ 2-3 हज़ार की है, तो इतना फ़र्क है, तो इट्स बेटर कि आप लेके आओ ये सब चीज़ें। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और आई होप यू ऑल विल लाइक इट, और जो भी बच्चे आना चाह रहे हैं, नॉट इवन इन माई सिटी, नॉट इवन इन माई यूनिवर्सिटी, कोई और भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्पेशली जो नॉर्थ की साइड है या फिर जो थोड़ा मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग से थोड़ा दूर सिटीज़ हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि ये उनको चाहिए ही चाहिए हैं ये चीज़ें। मैं एक चीज़ का भूल गई, लास्ट में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप बनवा के लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीडेड होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की, और अपनी फ़ोटोज़ लेके आना काफ़ी सारे। तो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ इसे शेयर करो, और जितना शेयर करोगे जितने लोग आना चाह रहे हैं उनको उनकी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।